पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुरादाबाद पहुंचे तो भाजपा पर जमकर बरसे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुस्लिम समाज के साथ भाजपा सौतेला व्यवहार करती है। भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के टैंक दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे तो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बाप दादा पुरखे चूहे के बिल में घुस गए थे। उस युद्ध में उनका कोई भी योगदान नहीं रहा था, न उन्होंने कोई आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि वीर अब्दुल हमीद ने टैंक ध्वस्त कर उस लड़ाई में अपना बलिदान दिया था। तो वहीं नुपुर शर्मा के द्वारा दिए गए बयान पर बोलते हुए कहा कि भाजपा की ये सोची समझी साजिश है। भाजपा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने का काम कर रही है और यही वजह है कि ये तोते की तरह हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। नौकरी तो वैसे भी नहीं उनको मिलनी है, इसलिए ऐसी संविदा की नौकरी करने के बजाय वो अपने किसी और कारोबार में जुड़ जाएंगे, लेकिन इनके चक्कर में फंसकर तो सड़क पर खड़े होने लायक हो जाएंगे। 4 साल नौकरी के बाद वो भी संविदा की, उसके बाद कोई उनके लाइफ की गारंटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, ग्रेच्युटी नहीं, पेंशन नहीं, सैनिक स्थलों में चिकित्सा नहीं, किस मतलब का वो अग्निवीर सेना, केवल कहने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के आंख में धूल झोंक कर देश की जनता की गाढ़ी कमाई से बनी सरकारी संपत्ति को एक एक करके कौड़ियों के भाव, अरबों खरबों की जमीन कौड़ियों के भाव अपने चाहे तो अदानी और अंबानी के हाथों में बेच रही है। अच्छा, केशव प्रसाद मौर्य ने रामपुर के उपचुनाव में कहा था कि अभी अब राम राज चल रहा है, अब्दुल्ला राज नहीं आएगा, क्या कहें, किस तरह का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में पत्थर पड़ गया है, इनका दिमाग पथरा गया है, आंखें अंधरा गई है, गूंगे बहरे अंधे हो गए हैं। यही कारण है कि आज प्रदेश और देश की जो बदहाली है वो इनकी आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा है, जनता का गुस्सा इनके कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है। साथ ही साथ आज पूरी सरकार अराजकता की बलवेदी पर चढ़ गई है, संविधान में इनका विश्वास नहीं, कानून व्यवस्था में इनका विश्वास नहीं, इनका विश्वास है बुलडोजर में, इनका विश्वास है सरकारी गुंडा राज में, इनका विश्वास है अराजकता में, और यही कारण है कि आज ऐसे लोगों के बोल भी बिगड़े हुए हैं, इनकी जुबान हमेशा फिसलती रहती है। और साथ ही साथ मैं ऐसे लोगों की सोच पर मुझे तरस आती है कि यह आरएसएस के स्कूल से पढ़ के आए हैं, इससे ज्यादा अच्छा ये बोल भी नहीं सकते। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।